लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने का क्रम लगातार जारी है। खातेगांव नगर परिषद की पार्षद सावित्री यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली। वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद सावित्री यादव ने अपने पति शैलेश यादव के साथ शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। शैलेश यादव अरुण यादव के करीबी माने जाते हैं। लंबे समय से दोनों पति पत्नी कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थे और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे थे। सावित्री यादव ने कहा कि वो भाजपा की रीति नीति और संगठन की विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। मोदी जी की, शिवराज सिंह चौहान जी की, हमारे विधायक जी की विचारधारा से प्रभावित होकर और भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर, जो हर वर्ग का, हर जन का, नारी शक्ति का सम्मान करती है, सनातन धर्म की बात करती है, राम को हमारे इष्ट मानती है, उस पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं जो हमारे राम का नहीं। पार्टी मुझे जो भी दायित्व देती है मैं उसका पूर्ण निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ कार्य करूंगी और उस कार्य के बल पे मैं मोदी जी को ये सौगात दूंगी कि आज कांग्रेस की पार्षद जो पार्टी छोड़कर आई है वो भाजपा का प्रतिनिधित्व कितने अच्छे से करती है, मैं ये साबित करके दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।